हेलो, तो दिस इज़ आवर मोस्ट अवेटेड जर्नी। ये है जर्नी बैंगलोर टू दुबई के लिए, जो इसके लिए बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। और स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जर्नी पे मेरे साथ आ रहे हैं मेरे माओ मंडा, और इनके लिए ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है उनकी। वो बहुत ही एक्साइटिंग है। और अभी हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी लॉन्च में ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दुबई। अभी थोड़ी देर में ऑलमोस्ट अराउंड 8:30 के आसपास यहाँ से दुबई की फ़्लाइट है हमारी, जो 11:40-12 o'clock तक दुबई एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये पूरे ट्रिप में, व्लॉग में, मॉम एंड डैड मेरे साथ है, और उनके लिए स्पेशल है ये ट्रिप बहुत ज़्यादा, और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिनिमम 2 घंटे पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी चेक एंड इमिग्रेशन चेक्स के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अगर आपको लॉन्च एक्सेस करना है तो आपके पास वीज़ा या कोई भी इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। विथ मिनिमम चार्जेस आप लॉन्च एक्सेस यूज़ कर सकते हो। जनरली एयरपोर्ट्स पे करेंसी एक्सचेंज रेट बहुत हाई होता है, इसीलिए अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है या तो आप आपके सिटी में ही कर लीजिए, या फिर आप मल्टी करेंसी कार्ड आपके साथ ले जा सकते हो और डेस्टिनेशन सेंटर पे आप एटीएम से मनी विड्रॉ कर सकते हो। मम्मी पापा यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करके वेट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट कैसा होता मम्मी? एकदम छान। तुम तो ब्रेकफास्ट कैसा होता? दस आइटम थे। आपने खाए कितने आइटम? सब खाए। लॉन्च में बढ़िया से ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम निकल चुके हैं गेट्स की तरफ। गेट नंबर 41 पे हमारी दुबई की फ्लाइट है, और अभी ऑलमोस्ट 7:45 हो चुके हैं और 8:30 की फ्लाइट है, तो अभी जल्दी जल्दी भागना जरूरी है। सो लेट्स गो। मैं बाय कर रहा हूँ, हाय कर रहा हूँ। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड दुबई। दुबई एयरपोर्ट से लेके टर्मिनल 1 जाने के लिए आपको मेट्रो से जाना होता है, और उसी के लिए अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं।